my channel, please click on subscribe button and hit the bell icon to get the notification. Hello friends, good evening. हम अभी कब्बन पार्क आ चुके हैं. अभी शाम 5 बजे हैं. सुबह से हम घर पे ही थे. अभी लगा कहीं पे घूम के आता है तो हम आ गए. ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, 30 मिनट का डिस्टेंस है. सनी भी आ, हाई बोल दो. हम अंदर चलते हैं. चलिए, ये शिवाजी नगर के पास है. और यहाँ आने का सबसे सही जरिया है मेट्रो. अगर आपके घर के पास मेट्रो है तो सही रहता है फिलहाल. लेकिन मैं बाइक पे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो सोचा बाइक से ही चला. और हमारे घर से बहुत ही नज़दीक है. कभी कभी तो 20 मिनट्स में भी हम आ जाते हैं. ट्रैफिक नहीं रहे तो, ट्रैफिक रहे तो शायद कुछ आधा घंटा लग जाता है. बट और अभी विंटर है ना एक्चुअली, मतलब और भी पहले आते ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता. यहाँ पे भी हम लेट हो गए फिर भी कोई बात नहीं, हम अंदर चलते हैं. अभी भी खुला रहता है 6 o'clock तक. हाँ, अंधेरा हो जाए तो फिर निकल जाना ही सही है. इसीलिए आप लोग कभी भी आए ना इधर पे, हम लोग बोल देंगे कहाँ पे है नीचे डिस्क्रिप्शन में. तो चलिए अंदर चलते तब तक, नहीं तो बंद हो जाएगा. अभी तक खुला है थैंक गॉड. हमें लगा था कि इतना लेट हो गया कि बंद हो जाएगा. और बहुत नहीं, अच्छा जगह है. किसी को अगर बर्ड वॉच करना पसंद है तो बहुत सही जगह है. यहाँ पे आपको पैरट्स दिखेंगे और भी काफ़ी तरीके के बर्ड्स दिखेंगे. नेचर है, पेड़ है, पौधे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा जगह है ये. और एक्चुअली हम बहुत आते हैं इधर में बैंगलोर पे. हम ऑलमोस्ट मैं लास्ट 3 ईयर्स से तो बैंगलोर पे ही हूँ और सनी भी है बहुत टाइम तक, 6 ईयर्स तक. लेकिन मैं भी ये 3 साल में बहुत बार आ चुकी हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है. रिलैक्स करने के लिए आप आ सकते हो. तो हम थोड़ा अंदर जा रहे हैं अभी चलने के लिए. अभी एक्चुअली यहाँ पे वॉक करने के लिए भी बहुत लोग आते हैं, बहुत एल्डर लोग और नहीं तो बच्चे लोग भी यहाँ पे बहुत आते हैं. इतना सारा वो बर्ड जा रहा है घर पर अभी तो, बहुत पैरट्स है. हमें तो बर्ड में बहुत इंटरेस्ट है तो इसीलिए हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं इधर में आके जब इतना सारा बर्ड देखता है ना, और वो भी पैरट. ग्रीन पैरट, इंडियन रिंगनेक. इंडियन रिंगनेक, हाँ, जिसका ब्लैक होता है ना वो, हाँ, गले पे वैसा रिंग. अभी हम थोड़ा अंदर जा रहे हैं. चलने में बहुत अच्छा लगता है. घर के पास ऐसा कोई बड़ा पार्क नहीं है जहाँ पे हम थोड़ा वॉक कर सकें, इवनिंग वॉक नहीं तो मॉर्निंग वॉक. ये वॉक करने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है. चलते हैं अंदर थोड़ा. तो अभी हम एक बड़े पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, देख सकते हो बहुत ही बड़ा है जिसमें लीव्स कम है और ये रूट्स बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे हम अक्सर आते हैं और यही पेड़ के नीचे हम खड़े होते हैं. आप देखिए ये कितना अच्छा है ना, और बहुत अच्छा शेड भी है. धूप में बहुत कोई लोग ये पेड़ के नीचे खड़े होकर रिलैक्स करते हैं अगर सुबह में आते हैं तो. तो वैसे तो अभी शाम हो चुका है तो इसीलिए बहुत कुछ तो करने का है नहीं. हम थोड़ा ऐसे ही पैदल चल के वॉक करके घर चले जाएंगे क्योंकि वॉक बहुत हम कर नहीं पाते हैं. सैटरडे संडे ही मिलता है थोड़ा करने के लिए. तो आपको अगर बैंगलोर पे रहते हो ना तो ज़रूर एक बार आके यहाँ पे विज़िट कीजिए. मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों के जो लाइफस्टाइल होता है ना उससे थोड़ा दूर जाने के लिए ये जगह बहुत ही अच्छा है. थोड़ा रिलैक्स भी रहेगा और आप वॉक भी कर सकते हो शाम को नहीं तो सुबह. और ये 5 बजे से सुबह 5 बजे खुलता है, शाम 6 बजे 6:30 बजे तक कभी कभी खुला रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इसके बारे में सनी थोड़ा बता देंगे कि ये क्या है. ये कुछ 3,000 acres में फैला हुआ है और ये शायद एक आपको अगर पूरा ये घूमना है, पार्क घूमना है तो शायद आपको 1 से 2 घंटा भी लग जाएगा. कुछ 6,000 पेड़ हैं यहाँ पे तो आप समझ ही सकते हो ऑलमोस्ट नेचर वाइज. तो जिसको नेचर भी पसंद है
वो भी अगर यहाँ आएगा तो उसको भी मतलब बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए मैं ये बड़ा जो पेड़ है ना इसके ऊपर मैं चढ़ूँ, मुझे ना पेड़ करने में बहुत अच्छा लगता है। अब देख पा रहे हैं मुझे थोड़ा हेल्प करो सनी, चल थोड़ा हेल्प करेंगे सनी चलने की। ठीक है अभी थोड़ा इसके ऊपर बैठ जाती हूँ, ज़्यादा ऊपर अभी नहीं जाऊँगी क्योंकि वैसे भी बहुत शाम हो चुका है। एक बार ऊपर चले जाऊंगी ना भूत भूत भी आ सकता है मेरे को पेड़ में। वैसे कौन सा भूत आएगा पता नहीं कौन सा भूत, लेकिन पता है ना खुले बाल में लड़की लोगों के डायन आ जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली चुड़ैल चुड़ैल। ठीक है मैं थोड़ा यहाँ पे बैठ जाती हूँ उसके बाद चलो मिलते हैं बाद। कितना अंधेरा हो गया देखिए, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। हम लोग अभी अंधेरे में कब्बन पार्क में घूम रहे। अच्छा है हमेशा तो टाइम पे आने से मज़ा नहीं रहता ना, अभी गार्ड लोग भी आके हम लोगों को निकलने के लिए बोल रहे थे। अभी अच्छा लग रहा है, लोग भी कम हो गया है, थोड़ा खाली हो गया देख पा रहे हो पूरा ही खाली है। खाली में ही एक्चुअली चलने में वॉक करने में इवनिंग वॉक करने में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं प्रॉपर कुछ पहन के भी नहीं आई वॉक करने के लिए। हम अभी बैठे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा शाम भी हो आई है और मच्छर का भी इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा है कि मच्छर है, अच्छा इसलिए लग रहा है कि नेचर में बेंगलोर में नेचर का उतना मज़ा नहीं मिलता है, तो ये कब्बन पार्क में आने से वो मज़ा तो मिलेगा। और इतना ग्रीनरी है ना इसमें, क्या होता है कभी कभी सिटी से दूर ग्रीनरी में आके बैठ के आँखों का भी शांति मिलता है और वो एक फ्रेशनेस भी आता है वो ग्रीन पेड़ के बीच में बैठना थोड़ा रिलैक्स करना। और अभी और बेंगलोर में घूमने जाओ तो आपको मॉल ही मिलते हैं सबसे ज़्यादा। हाँ। तो यही एक या दो दो पार्क है जो आप लोग मतलब बेसिकली जा सकते हो, एक कब्बन पार्क है और दूसरा है आपका लाल बाग, वो भी बहुत बड़ा है, कभी वहाँ पे भी जाएंगे तो हम वहाँ का भी ब्लॉग बनाएंगे। अब देख पा रहे हो मेरे को, मैं ये थोड़ा अंधेरा है, वॉक करने का तो कोई टाइम नहीं रहता ना, नहीं कभी भी कर सकते हैं ना एकदम। थोड़ा थोड़ा लाइट है देखिए ऊपर, इतना सारा चिड़िया लोग घर पे जा रहे हैं, हम अभी घर पे नहीं जाएंगे, हम थोड़ा और इधर में चलेंगे घूमेंगे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और बहुत सारा चिड़िया लोग घर पे जा रहे हैं, अभी ऊपर में दिख रहा है, अभी थोड़ा बहुत लाइट है इसीलिए उसका अंधेरा नहीं छाया अभी तक, नहीं तो अंधेरा कायम रहे। ये देखिए कितना बड़ा पत्थर है, इधर मैं चल के भी ऊपर जा सकती हूँ, दूर से थोड़ा दिखा दूँ इसका व्यू। एक्चुअली ना इसमें क्या है पता है, ऐसे जूते पहनने में बहुत प्रॉब्लम होता है, इसमें थोड़ा स्पोर्ट्स शू पहन के आके आना पड़ता है, लेकिन आज मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं जल्दी जल्दी निकल गई ना इसलिए नहीं हो पाया। बहुत ऊपर तक चढ़ सकते हो आप अगर आते हो सही शू के साथ, मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँगी।
Thank you.